गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट हिंदी मीडियम। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है आपका एमएस एक्सेल। आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। आज हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स की, तो ये आपको याद भी करने हैं और उतारने भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एमएस एक्सेल किस कंपनी द्वारा बनाया गया। देखिए एमएस एक्सेल जो है यूएसए यानी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कॉर्पोरेशन अमेरिका की कंपनी है, द्वारा 1982 में बनाया गया। और आपको पता है एमएस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम डाटा को व्यवस्थित रूप से लगाने के लिए करते हैं। इसका काम होता है गणनाएं करना। इस स्प्रेडशीट किससे मिलकर बनती है, जो इसमें पेज होते हैं, जैसे आप एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो जो आपका फर्स्ट पेज खुलता है वो होता है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है, एक स्पेशल शीट होती है, विशेष शीट जो रो तथा कॉलम से मिलकर बनती है। इस स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कह सकते हैं। और एमएस एक्सेल के एक प्रोग्राम में तीन आपके यानी एक स्प्रेडशीट तीन वर्कशीट आपकी ओपन कर सकती है और आप उनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट क्या होती है, एक प्रकार की सारणी, इससे आप सारणी भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। सारणी छाजनी के अलावा और क्या क्या किया हो सकती है। सारणी क्या होती है, यानी जो आपकी स्प्रेडशीट होती है वही आपकी क्या होती है, सारणी यानी टेबल जो रो तथा कॉलम से मिलकर बनती है, सारणी हम कह सकते हैं। उसमें हम डाटा को छान सकते हैं, छानने वाला होता है फिल्ट्रेशन करना, यानी जो आपको डाटा चाहिए, योग, योग होता है टोटल करना और अनुयोग होता है सब टोटल, यानी पूरे के पूरे का टोटल करना। जैसे कि आप अपनी मार्कशीट में देखते हैं लास्ट में जो आपके टोटल मार्क्स निकल के आते हैं वो होता है आपका अनुयोग। फोर्थ, टाइटल बार कहाँ स्थित होता है, टाइटल बार किस तरह क्लिक कर लेना भाई, TITLE टाइटल बार। टाइटल बार होता है जो आपके एम एस एक्सेल की जो विंडो होती है, प्रोग्राम होता है, उसके सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका टाइटल बार। और टाइटल बार हमें बताता है कि हम किस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्लास एट हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर 5। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।